तो भाई जैसे कि आप सभी को याद होगा कि जेमा एम्पायर में प्रोटेक्टोरो मास्टर को पकड़ के ले गए थे, बट उस टाइम प्रोटेक्टोरो मास्टर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है। इवन वो जब होलोप्सो ले जाता है, आई मीन अभी प्रेजेंट टाइम में भी मास्टर यालो के साथ बहुत ही बुरा ट्रीट कर रहा है। बट भाई आप लोगों ने प्रोटेक्टोरो वर्सेस जेवियन वाली फाइट देख ली, जो मैंने वीडियो बनाया था वो अगर देख लिया तो आप लोग समझ गए होंगे कि जेवियन जेमा एम्पायर में तो कमजोर था इसलिए कुछ नहीं कर पाया, बट अभी जब प्रोटेक्टोरो उसके सामने आया तो जेवियन ने क्रेडिट जीएसटी वगैरह जितना भी है सब कुछ प्रोटेक्टोरो के ऊपर थोक दिया और उसे टाइम प्रोटेक्टर को पेल दिया। जिसके बाद प्रोटेक्टर भी यही सोच रहा था कि मैं तो बस मजाक करते हुए जेवियन को छोटा बच्चा बोल रहा था, जेवियन ने तो यार दिल पे ले लिया। तो खैर वहाँ पे जो वीडियो का टॉपिक था वो खत्म हो गया था, जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो वहीं पे ड्रॉप कर दी थी। बट भाई मेरे को वहाँ पे इतना ज्यादा कमेंट आया कि भाई इसका नेक्स्ट पार्ट बनाओ, जो बिग बैटल है पूरा एक्सप्लेन करो। तो भाई वहाँ पे मेरे को इतना ज्यादा कमेंट देखने को मिला ना, जिसे देखकर भाई मैं बिल्कुल भी नहीं पिघला। मैं तो ये सोचकर इसका दूसरा पार्ट बना रहा हूँ कि अगर मैंने बिग बैटल को जो स्टार्ट किया उसे अगर बीच में ही छोड़ दिया तो लोग सोचेंगे कि प्रोटेक्टर और आईसी वैली ने मिलके जेवियन के साथ साथ ऑक्सम को भी वहीं पे ठोक दिया। खैर मैं तो अभी जिंदा हूँ, बट वहाँ पे जो फाइट चल रहा है ना वो काफी इंटरेस्टिंग होते ही जा रहा है। तो चलो भाई पार्ट वाइज मैं बिग बैटल को पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। पता नहीं कितना वीडियो बनेगा, आई थिंक इसके ऊपर 2-3 वीडियो मैं बना लूंगा। तो हे कल्टीवेटर, मैं हूं ऑक्सम। और भाई अभी बढ़ते हैं ठुकाई की तरफ। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था जो कि मेरा वीडियो था, वहाँ पे जेवियन अपना फ्लिम पंच प्रोटेक्टर की तरफ मारने वाले होते तभी वहाँ पे आ जाता है टियांसी, जो कि जेवियन की पंच को रोक लेता है। उसके बाद अब आगे बोलता हूँ। एंड भाई मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को ना ज्यादा एक्सप्लेन करना पसंद नहीं आता, एंड भाई सीरियसली बोलो तो मेरे को एक्सप्लेन करना आता भी नहीं अच्छे से, फिर भी यार रिक्वेस्ट था इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो समझने की कोशिश कर लेना खुद ही। तो भाई यहाँ पे जो टियांसी होता है वो जेवियन को बोलता है अरे बच्चे इतनी ताकत लगाने की क्या ही जरूरत है। जिसके बाद जेवियन अपनी 5 रुपए वाला एटीट्यूड के साथ बोलता है क्यों तेरे से रोका नहीं जा रहा है क्या, और टियांसी के ऊपर एक लात जड़ देता है। बट टियांसी यहाँ पे होता है दाओजोंग 9 स्टार की बंदा, जिसकी वजह से वो अपनी छड़ी से जेवियन का जो लात होता है उसको ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे होता है एक छोटा मोटा धमाका और उसी टाइम टियांसी प्रोटेक्टर को बचा लेता है। जिसके बाद प्रोटेक्टर बोलता है टियांसी तुम इस बच्चे को पकड़ने में होलोप्सोल की मदद करो, बाकी तुम चिंता मत करो तेरा जुगाड़ कर दिया जाएगा होलोप्सोल की तरफ से। तभी जो प्रोटेक्टर होता है वो टियांसी का जो मुंह होता है उसे देखकर समझ जाता है कि जेवियन एक 2 स्टार का बंदा होते भी प्रोटेक्टर को जैसे धोया है उसे देखकर टियांसी की भी थोड़ा फट रहा है। जिसकी वजह से प्रोटेक्टर आगे बोलता है अरे टियांसी अगर तुम इसे नहीं मार सकते हो या तो तुम्हें कुछ दिक्कत है तो भाई इसे कुछ देर के लिए होल्ड कर रखो, मैंने होलोप्सोल को एक अलर्ट सिग्नल भेज दिया है वहाँ पे कोई तो आएगा जिससे इस बंदे को मार दिया जाएगा। भाई होलोप्सोल एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे कोई भी एनिमी हो वो दोस्ती करना ही चाहता है, एंड भाई इतनी जल्दी कोई भी बंदा जो कि एनिमी हो वो इतनी भी जल्दी होलोप्सोल को नहीं ठुकराएगा। वो तो मास्टर यालो था जिसने भरे मुंह बेइज्जती कर दिया और उनका ऑफर भी ठुकरा दिया था। तो यहाँ पे टियांसी प्रोटेक्टर को बोलता है प्रोटेक्टर अब चिंता मत करो ये सब आइस रिवर वैली के ऊपर छोड़ दो, हम इस बंदे को जरूर पकड़ेंगे। और अपने जो 2 एल्डर्स था जो कि बिंग जुआन और बिंग हुआ होता है जो कि 7 स्टार दाओजोंग होता है, उन दोनों को बोलता है चलो तुम लोग मेरी मदद करो इस बंदे को पकड़ने में। ये सुनकर वो दोनों जो एल्डर्स होता है वो दोनों हैरान हो जाता है और वो टियांसी को बोलता है टियांसी यहाँ पे सारे लोग हमारी तरफ ही देख रहा है और अगर हम 3 एल्डर्स मिलके एक यंग जनरेशन की बंदे के ऊपर हमला करेंगे तो भाई हमारा तो बेइज्जती हो जाएगा। जिसे सुनकर टियांसी रोते टाइप ऐसा बोलता है यंग जनरेशन तुम दोनों को एक किधर से यंग जनरेशन लग रहा है, वो देखो भाई होलोप्सोल की प्रोटेक्टर हूँ जिसके सामने तो मेरा भी थोड़ा थोड़ा पट्टा है, बट इस बंदे ने जिसको तुम यंग जनरेशन बोल रहे हो यही उसको जीएसटी लगा के ठोक दिया, अगर फिर भी तुम्हें ये यंग जनरेशन लग रही है तो जाओ तुम दोनों ही निपट लो इससे। जिसे सुनने की बात वो जो 7 स्टार 2 बंदा था जो एल्डर्स था आइस रिवर वैली का वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको भी पता था कि प्रोटेक्टर जो है वो कोई मामूली बंदा नहीं है, बट उससे भी अगर जेवियन ने धो दिया तो प्रोटेक्टर उसे ये दोनों ही थोड़ा तो कमजोर है। जिसके बाद ये दोनों एल्डर थोड़ा सा सोच विचार करते हैं और दोनों ही मान जाते हैं और तीनों एल्डर जाके जेवियन को ट्रायंगल टाइप से घेर लेता है और यंग जनरेशन के ऊपर 3 एल्डर जो पड़ गए थे उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और टियान हू जो होता है वो जो टियांग स्वान जुनजी होता है उसे बोलता है यार तुम लोगों का तो आइस रिवर वैली बहुत ही बेशरम है, 3-3 एल्डर मिलके एक बच्चे के पीछे पड़ गए हैं, यही है क्या आइस रिवर वैली। जिसके बाद जो वो टियान स्वांग जुनजी होता है वो बोलता है मायने नहीं रखता कौन यंग जनरेशन है और कौन ओल्ड जनरेशन है, हमें तो बस जितने से मतलब है और दुनिया भी यही मानता है जो जिका वही सिकंदर। इसके बाद हमें जेवियन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सीरियस हो गया था क्योंकि उसे भी पता था कि सामने जो 3 एल्डर्स था उनमें से 2 था 7 स्टार दाओजोंग और 1 था दाओजोंग की पिक का बंदा। जिसकी वजह से जेवियन यहाँ पे सोचता है और एक हैंड साइन बनाता है जिसके बाद वो चिल्लाता है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक, जिसकी वजह से वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। इसकी आगे का मैं क्या ही बताऊं क्योंकि आप लोगों ने नोबेल पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद है, अदरवाइज भाई आप लोग अगर एपिसोड देखते हो या एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखते हो तो आप लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं होगा क्योंकि वो सीन्स कट कर दिया है कि जेवियन जब लुकिंग सिटी जाता है ना उस टाइम पे वो कुछ मैजिकल बीस्ट फ्लिप खरीदता है, बेसिकली वही वाला मैजिकल बीस्ट फ्लिप यहाँ पे वो यूज करता है क्योंकि जेवियन के पास अभी 3 हेवनली फ्लिम है बट वो 5 रिंग फ्लिम एक्सपेलिंग जो टेक्निक है उसे पूरी तरह से यूज करने के लिए 5 फ्लिम की जरूरत पड़ता है। तो जेवियन यहाँ पे पहले का जो 2 फ्लिम होता है वो मैजिकल बीस्ट फ्लिम यूज करता है जिससे वो एक ओल्ड बनाता है और एक लियोपार्ड। अरे भाई उसका रियल नेम
नेम तो भूल गए, बट उसे हमारे असमिस में ये बोलते हैं नाहोर फुटुकी बाघ। तो जो मैजिकल बीस्ट फिल्म होता है उससे जेवियन ये दो एनिमल क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी तीन हेवनली फिल्म से एक शेर, एक टाइगर और एक पाइथन बनाता है। एंड भाई इसका फुल पावर देख के, मतलब इस टेक्निक का फुल पावर देख के वहाँ पे सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि ये था एक टियान क्लास की टेक्निक। एंड इस टेक्निक को पूरी तरह से यूज करते हुए देखते हुए टियान उनसे भी यही बोलता है, फाइनली जेवन तूने मेरा स्किल भी सीख लिया है। तो भाई जेवन ने यहाँ पे बहुत सारा अटैक क्रिएट कर लिया था, तो उसे देखकर टियान सी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बाकी दो एल्डर्स को बोलता है चलो अटैक, ऐसा बोलता है। जिसके बाद वो लोग कुछ हैंड साइन बनाने लगते हैं और वहाँ पे एक आइस का एक स्वॉर्ड आ जाता है, जो कि ऐसा स्पेशल होता है। एंड भाई यहाँ पे जो तीन एल्डर्स होते हैं वो लोग स्पेशल आइस स्वॉर्ड तो बना लेता है, बट अगर मैं चाहता हूँ कि स्टूडियो ये वाला सीन दिखाए कि जेवन अपनी 5 स्पेशल एनिमल्स के पास एकदम से खड़ा रहेगा, भाई देख के मजा आ जाएगा, बस दिखा दे। बट ये वाला जो आइस स्पेशल स्वॉर्ड अटैक होता है, जेवन का जो ऑल फोर लियोपार्ड होता है वो दोनों ही मिलकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और जेवन यहाँ पे चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है उस फिल्म से। जिसके बाद वो जो एल्डर्स होते हैं वो भी अपना द्वी की रिलीज कर देता है और फाइट के लिए हाजिर हो जाता है। बट तभी जो बिंग जुआन होता है वो टियानसी को ये बोलता है कि एल्डर टियानसी इस फिल्म बैरियर के अंदर हमारा जो द्वी की है वो काफी ज्यादा सप्रेस होते हुए जा रहा है। इसके बाद टियानसी बोलता है अरे चिंता मत करो, इस छोटू के पास जितना भी टेक्निक क्यों ना हो बट ये हम तीनों को एक साथ नहीं हरा सकता, सो फाइट में ध्यान दो। बट ये सुनते ही जेवन बोलता है ये सच नहीं है बुड्ढे, सपने देखना छोड़ दे और कुछ देर बाद देखो तू कहां पेला जाएगा। जिसके बाद भाई वो जो 5 एनिमल्स है जो बैरियर बना होता है उससे 5 कलर का फ्लेम निकलता है और एक साथ मार्च हो जाता है, जिसे देखते ही पता चलता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसे देखकर भाई टियानसी का हालत ही खराब हो जाता है देखते ही भाई। जेवन चिल्ला के बोलता है स्काई इंसिनरेटिंग एक्सपेलिंग फ्लेम। जिसके बाद भाई वहां से एक फ्लेम टियानसी की ग्रुप की तरफ थ्रो होता है, जिसे देखते हुए टियानसी का हालत ऐसे हवा बदल जाता है, जिसे देखकर ही टियानसी समझ जाता है कि जेवन ने जो बोला था वो अभी मानना पड़ेगा कि जेवन अकेले इन दोनों को हरा सकता है। जिसे देखते हुए टियानसी का हवा बदल जाता है और वो काफी सीरियस हो जाता है। तो जैसे ही जेवन अपना 5 फ्लेम से मार्ज वाला जो अटैक करता है उसके ऊपर, वो तीनों एक आइस का स्पेशल एरो बनाता है और जब ये दोनों ही जाके आपस में टकराता है वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे उन तीनों का जो अटैक होता है वो वहीं पे एकदम से क्रैक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस एक ही अटैक से तीनों का जो हालत होता है वो एकदम से खराब हो जाता है। इसके बाद ये जो एल्डर टियानसी होता है वो समझ जाता है कि जेवन को तो ऐसे नहीं हराया जा सकता, क्योंकि अभी के लिए जेवन का जो टेक्निक है वो हमारी गेम बजाने के लिए काफी है। जिसके बाद वो अपने दो एल्डर्स को ऑर्डर देते हैं, एल्डर बिंग जुआन, एल्डर हुआंग, जल्द से जल्दी अपना सारा द्वी की मेरे ऊपर ट्रांसफर करो। जिसे सुनते ही ओल्डर थोड़ा सा तो सोचता है, बट उसके बाद वो दोनों अपना द्वी टियानसी के ऊपर ट्रांसफर करने लग जाता है, जिससे टियानसी का पावर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक अटैक क्रिएट करता है जो कि होता है एक्सट्रीम फ्रीजिंग। जिसके बाद वो टियानसी चिल्ला के बोलता है एक्सट्रीम फ्रीजिंग। एंड भाई उस अटैक का जो टेम्परेचर होता है वो इतना कम होता है कि अगर उस अटैक के अंदर किसी दाउजोंग को घुसा दिया गया तो भाई उसको सायोनारा बोलने का भी टाइम नहीं मिलेगा, मतलब इतनी क्विकली मर जाएगा। जिसके बाद वो जो एल्डर टियानसी होता है वो अपनी फ्रीजिंग से जेवन का जो अटैक होता है उससे धीरे धीरे फ्रीज करने की कोशिश करता है। बट जेवन यहाँ पे समझ जाता है कि अगर वो इनके साथ ऐसा ही अगर फाइट करते रहा तो उसका एक टाइम पे जाके जो ट्रिप फायर मिस्ट्रियस चेंजेस होगा उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, जिसके बाद जेवन भी शायद टाड़ा बाय बाय हो जाएगा, ये कंपलसरी है। जिसके बाद वो फायरिंग फ्लेम एक्सप्लेन का टेक्निक का जो पावर्स होता है वो इकट्ठा कर लेता है और जो उसका फ्रीजिंग का जो शील्ड होता है उसके ऊपर मार देता है, जिससे वहां पे बहुत ही ज्यादा धमाका होता है एक बहुत ही बड़ा। ये जो अटैक होता है इसे जैसे तैसे करके वो तीनों एल्डर्स डॉज तो कर लेता है, जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां पे एक गड्ढा हो जाता है। बट टियानसी जो होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसको पता चल चुका था कि ये वाला जेवन ने अभी जो अटैक किया उससे फायरिंग फ्लेम एक्सप्लेन टेक्निक जो था वो कमजोर हो चुका है, और वो भी यही सोच रहा था कि ऐसे ही हम अगर टाइम अप कर दे तो जेवन का 3 मिस्टर चेंजेस का जो पावर है वो खत्म होने के बाद जेवन को वो जैसे चाहे वैसे ही मसल सकता है। इसके बाद वहां पे ब्लास्ट का धूल जट्टा है और वो देखता है कि जो ये टियान क्लास का टेक्निक था फायरिंग फ्लेम एक्सप्लेन टेक्निक वो तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिससे देखकर टियानसी का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। बट टियानसी का ये जो खुशी रहता है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता और ऊपर से एक आवाज आता है और बोलता है टियानसी अभी चांस है तुम हर मान लो, क्या तुम लड़ना चाहते हो अभी भी। जिसके बाद टियानसी जब ऊपर की तरफ देखता है उसका फटके 4 हो चुका था, क्योंकि जेवन के हाथ में था 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्ध लोटस, जिसका ऑरा देखते ही टियानसी सब कुछ समझ गया था। और यार भाई तुम लोग भी समझा करो कि मैं वॉइस ओवर तो कर लेता हूं बट मेरे को थोड़ा एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी भाई ये मत बोलना एडिट क्या करता है, वो बेसिकली ना मैं जब वॉइस ओवर करता हूं तो कुछ ज्यादा ही बक लेता हूं, सो उसके लिए थोड़ा कटकुट करना पड़ता है यार समझो। सो मैं अभी ये वाला पार्ट अभी अपलोड कर रहा हूं और बाकी का एडिट करके अपलोड कर दूंगा, आप लोग को एक दिन बाद मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करोगे तो उसे देखकर भाई मेरे को और भी ज्यादा मन करेगा कि जल्दी दे देता हूं यार। कोई ना भाई मजाक कर रहा हूं। चलो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार थोड़ा वेट करो दूसरे एपिसोड के लिए। यार शुक्रिया इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए।